Hey guys, what's up everybody and welcome back to my new video. और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे संजय व्लॉगी. तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. तो आज का जो वीडियो है वो आज हम लोग जा रहे हैं एक मस्त एक ट्रिप में. हम लोग जा रहे हैं मेघालय और वहां पे हम लोग थोड़ा दिन रहेंगे भी. और बहुत दिनों के बाद सोचा था कि हम लोग एक अच्छे से ट्रिप पे जाएंगे और बहुत दिन हो गए कि हम लोग एक अच्छे से ट्रिप पे भी नहीं गए. तो एक दोस्तों के साथ बस एक डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं और एक प्लान बन गया. तो अभी फिलहाल मैं भी घर पे ही हूँ और सब चीज रेडी हो रहा है. फिलहाल प्लान था जल्दी निकलने का लेकिन जल्दी निकल नहीं पाया क्योंकि जो रोहन है, जो मेरा दोस्त है रोहन, तो उसे कुछ काम आ गया था सुबह को. तो वो सुबह को काम करके फिर अभी हम लोग अभी अराउंड 7:27 हो गए सुबह के और अभी हम लोग निकलेंगे. 7:45 तक निकलने का प्लान है. आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ अपने साथ क्योंकि हम लोग वहां पे कैंपिंग करने वाले हैं. नॉर्मल हम स्टे नहीं करेंगे, हम कैंपिंग करेंगे, खुद का खाना बनाएंगे. तो आपको मैं दिखाऊंगा. तो मैंने बैग जो है वो ऐसे पैकिंग कर लिया है और मेरा जो बैग है वो पूरा पैक्ड है. ये हम लोग का स्लीपिंग बैग और अंदर मैंने कुछ स्टोव गैस वो सब भी मैंने रखा है. वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और अभी के लिए तो आई एम रियली एक्साइटेड. और हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से और ये बेसिकली टू व्हीलर राइड होने वाला है तो मजा आएगा. तो गाइस अभी सब लोग आ गए चार्ली पे और ये हम लोग का मीटिंग पॉइंट था चार्ली पे. हेलो हेलो हेलो, इधर दिखाओ. अभी मैं आपको धीरे धीरे सबके साथ मिलाता हूँ, मिलाता हूँ अपने दोस्तों के साथ. ये रोहन, रोहन और शुभम, धीरज और दिखा दिखा चेहरा दिखा. ओए चेहरा दिखा. यही है जो बंदा जो लेट किया, बहुत ज्यादा लेट किया. और अभी सब पैक्ड है हम लोग का स्कूटी बाइक सब. तो बने रहे वीडियो पे. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे कोविड सेंटर्स पे रुके थे और पर्ची वर्ची सब बना दिया हम लोग ने. तो ऐसा पर्ची बनता है, आपको मेघालय टूरिज्म का ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और यहाँ पे आके आपको सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट दिखा के आपको पर्ची मिलेगा. उसमें आप नंबर ऑफ डेज वगैरह आप लिख देना और वो लाइक पर्ची दे देंगे तो उसी से आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा. तो अभी सुबह के 9:45 हो गए. हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से लेकिन मज़ा आ रहा है. अभी आगे जाके मैं अपने स्कूटी पे पेट्रोल भराऊंगा और रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोग अभी लंच कर रहे हैं. अभी फिलहाल 11:30 बजे है लेकिन सोचा कि हम लोग ने एक लंच कर लेते हैं ताकि हम लोग बाद में लंच करना ना पड़े. और अभी हम लोग ने नॉन वेज थाली मंगाया, चिकन, सब लोग वही खा रहे हैं. और आज का जो लंच है वो सॉर्टेड है. और हम लोग रुके थे योग रेस्टोरेंट पे, देख सकते हैं. और इसके आसपास इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है. अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या हो गया. तो इसमें ये हुआ कि हम गूगल मैप्स के जरिए हम लोग गलत जगह पे आ गए. जाना हम लोग एक्चुअली दूसरी जगह पे था लेकिन हम लोग गलत जगह पे आ गए. बुरा नहीं, हमें सालों का मेरे को जगह वो बोल रहा. अरे रुक, मैं ये पूछ रहा हूं संजय, आए क्यों, क्या फोटो बना रहा है ये.
अरे नहीं पहले ये तो बताओ क्या देखने घास देखने पूछ रहा कुछ तो स्पेशलिटी अगर लेक है तो लेक ढूंढेंगे अभी लेक है पीक है एक्चुअली हुआ यू क्योंकि हम लोग ने गूगल मैप से हम लोग ने टाइप कर दिया था मोफनलूर और एक्चुअली हम लोग मोफनलूर पे तो पहुंच गए थे लेकिन हम लोग को जहाँ पे जाना था वहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पाए। फिर गूगल मैप से हम लोग ने अच्छे से चेक किया, फिर हम लोग को बाद में पता चला कि हम लोग को गूगल मैप से टाइप करना था मोफनलूर व्यू पॉइंट या फिर मोफनलूर ट्रेवल नेस्ट। तो एक्चुअली अगर हम लोग पहले ही वो अगर टाइप कर लेते तो हम लोग इस जगह में हम लोग पहले ही आ जाते, तो हम लोग को बाद में रियलाइज़ हुआ। और ये जो जगह है वो काफ़ी हाई लोकेशन में, अगर आप इस व्यू पॉइंट पे जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट आधा मेघालय का जो आपको व्यू है आपको पूरा मिल जाएगा। और ये पड़ता है मेघालय के वेस्ट साइड में और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं वेस्ट खासी हिल्स और इस तरफ आपको मौसिनराम भी आपको मिलेगा। तो जगह काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिला है और व्यू देखिएगा इस यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, अगर जगह अच्छा हुआ तो वहाँ पे कैंप करेंगे, अगर जगह अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग वापस ऊपर जाके कैंप करेंगे। देख वो जगह जो प्लेन है उधर जाने के लिए उधर से अरे नहीं ये जगह इधर आओ ना इधर से चलते व्लॉग करता है व्लॉग कर रहा हूँ बंद है हाँ बंद है तो अभी इस पे पूरा कहानी बनेगा। खुला नहीं है सीधा ठीक है सीधा सीधा तो भाई देखो बात ऐसी हो गई कि हम गए थे नीचे लोकेशन देखने के लिए पर लोकेशन हमें अच्छा मिला नहीं, मिली थी लेकिन उस लोकेशन के हिसाब से अगर हम लोग कैंपिंग करेंगे तो जगह उतना सूटेबल नहीं था क्योंकि नीचे बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ थे और प्लेन सरफेस भी इतना नहीं था और नीचे बहुत सारे कांटों के पौधे थे तो इससे कैंपिंग का जो लोकेशन था वो इतना खास बना नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग वापस ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके हम लोग एक दूसरा लोकेशन देखेंगे। तो यही होता है कैंपिंग पे, आपको एक अच्छा लोकेशन देखना पड़ता है और आपको वहीं पे जाके कैंप करना पड़ता है। हालांकि हमारे पास सब था खाना बनाने का सामान और अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं और वही वापस से मेन लोकेशन पे जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे। और अभी हम लोग का प्लान है वहाँ पे जाने का, ये जो छोटा सा पीक दिख रहा है आपको यहाँ पे हम लोग कैंप करेंगे। और अभी ये जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग चढ़ेंगे देखते हैं चलो लेट्स गो। तो ये रहा एक स्कूटी एक बाइक और ये मेरा एक्टिवा, तो चलते हैं। हवा बहुत ज़ोर से चल रही है यहाँ पे तो आ गए फाइनली सबसे ऊपर व्यू पॉइंट पे, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। यहाँ पे भी कैंप कर सकते थे हाँ मजा आर्टिफिशियल जगह पे कैंप करने थोड़ा है उतर जाता हूँ ना तू पहले बोल तो सही हाँ ये दे रेस्ट दे रेस्ट दे तो गाइस अभी हम लोग को बहुत ही अच्छा सा लोकेशन मिला है। एक्चुअली हम लोग जो था वो वहाँ पे थे जो आपने पहले वीडियो पे देखा, ये जहाँ पे मैं ठीक जहाँ पे पॉइंटिंग कर रहा हूँ। और अभी हम लोग को मस्त एक जगह मिल गया और यहाँ पे हम लोग जो दो कैंप है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और बाकी का जो स्कूटी यहाँ पे हम लोगों ने पार्क कर दिया। बस बाकी के जो यहाँ के जो लोग हैं वो हमें रात को डिस्टर्ब ना करें और अभी सब तैयार कर रहे हैं कैंप वैम्प, काफ़ी मज़ा आएगा। एकदम मस्त है जगह पे, एकदम लोकेशन बढ़िया से मिल गया। सामने आप देख सकते हैं छोटा सा तालाब भी है और यहाँ का जो जगह है लोकेशन वो सब मैं आपको बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग इकट्ठा कर रहे पत्थर कि
रात को हम लोग बॉनफायर करेंगे। तो ये जो जगह का नाम है ये है मोफनलूर व्यू पॉइंट। अगर आप गूगल मैप से मारेंगे मोफनलूर व्यू पॉइंट तो आपको ये सेम एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको ले आएगा। और अभी फिलहाल हम लोग व्यू पॉइंट पे कैंप नहीं कर रहे हैं, थोड़े से ऑफ बीट लोकेशन पे जाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था। और ये जो जगह है ये कम्प्लीटली हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। और फिलहाल में हम लोग को ये भी जानने को मिला कि इस जगह पे एक अलग अलग रिजॉर्ट बन रहा है। तो अभी फिलहाल सबसे अच्छी पॉइंट इस जगह का ये लगा कि हम लोग को यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट देखने को नहीं मिला। और यह जगह पड़ता है वेस्ट खासी हिल्स के तरफ पे। और सबसे बढ़िया चीज़ लगा कि हम लोग को बहुत ही बढ़िया सा कैंप लोकेशन मिल गया। तो आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो गाइस, मैं मृणाल, आई एम द फायर कीपर, और संजय अपना ब्लॉगर, और अपना रोहन शेफ, और फिर अपना डीजे शुभम, डीजे बॉय, और धीरज अपना वार्म गाय, द हॉट एंड हैपनिंग गाय। तो मैं इधर आग को मेंटेन करना मेरा बात है, मेरा ड्यूटी है। और इधर खाने में क्या बन रहा है, हम लोग का खाने में क्या बन रहा है शेफ जी? सॉसेज एंड कैप्सिकम। और ये हमारा साइड डिश है, मेन डिश हमारा सॉसेज और कैप्सिकम रॉ वाला। मेन डिश हमारा है, मेन डिश क्या है भैया जी? ओके, मैगी, मेरी मैगी, सबकी मैगी, 2 मिनट। ओके, 2 मिनट वाली मैगी। और ब्लॉगर जी अपना संजय थोड़े टेंशन में है कि चार्ज रहेगा कि नहीं फोन में। हमारा पावर बैंक फुल ऑन काम कर रहा है, इधर भी उधर भी। तो गाइस अभी हम लोग का डिनर जो है दोस्तों के लिए एकदम मैगी, दोस्तों के नाम के मैगी, सॉसेज, कैप्सिकम, ये रहा मेरा। तो एक अलग एक्सपीरियंस। और हमारे ऊपर चार तरफ तारे तारे दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, और अभी बज रहे हैं 8:40। एक्चुअली रात नहीं, शाम हुआ है अभी। और अभी फ़िलहाल मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि आसपास भी जो है वहाँ पे थोड़ा सा लोग भी हैं और उनको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टैंड पे मृणाल और धीरज। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और बहुत ही ठंड वाला सुबह था आज। और आज हम लोग रात को अराउंड 9 बजे के आसपास हम लोग का पूरा नींद जो है, हम लोग नींद में सो गए थे एकदम। और हम लोग मेरा हाथ कैसे कांप रहा है। 3 बजे के आसपास हम लोग का जो है वो नींद पूरा हुआ और उठे हम लोग। और सोचा था कि थोड़ा बाहर जाके देखते हैं कैसा है। तो बाहर जाके देखा, एक्चुअली मुझे अपने स्कूटी के सीट से मुझे ग्लव्स निकालने थे, और मैंने देखा कि यहाँ पे पूरा बर्फ जम गया है, एकदम बर्फ का लेयर, एकदम पतला लेयर। एकदम जूम करके दिखा, अच्छा देख सकते हैं गाइस, एकदम पतला लेयर है। और सुबह अभी सभी की गाड़ी में क्रिस्टल है, और रोहन की गाड़ी में भी कुछ तो है। और अभी इधर देखते हैं, और अभी 8 डिग्री है, और अभी 8-7 डिग्री के आसपास है। और पहली बार मैं शायद ये ठंड जो है वो भी फील कर रहा हूँ। लास्ट टाइम शायद हम लोग हिमाचल में थे तब हम लोग ने फील किया था ऐसा ठंड, और बहुत ठंड है। और मेरा हाथ कैसा कांप रहा है, वीडियो तो वाइब्रेट हो रहा है। लेट्स गो। हाँ, YouTube पे दोस्तों को मेरा हाय बोलना।